खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 1,00,000 लोगों के बीच रावण दहन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दिल्ली के द्वारका। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो वहां पर रावण दहन करेंगे। ये दो तस्वीरें आप शौर्य की देख रहे हैं, फ्रांस के बोर्डो की तस्वीरें और दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां देश के रक्षा मंत्री देश के लिए ताकत लेने के लिए गए हैं, उस ताकत का नाम है राफेल, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका रावण दहन के लिए पहुंचे। साढ़े पांच बोला था, 5:32 हुआ, 2 मिनट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका सेक्टर 10 में दशहरा कार्यक्रम में मौजूद और भगवान श्री राम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित उन्होंने किया, रामायण पर पुष्प चढ़ाए और विधि विधान के साथ वो पूजा कर रहे हैं, और इसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए द्वारका पहुंचे हैं। द्वारका में 107 फीट का रावण बनाया गया है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो बड़े विस्तार के साथ दोनों ही जो पूजन हैं, दोनों पूजन से मेरा मतलब पहला पूजन राफेल का शस्त्र पूजन और दूसरा पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्री राम पूजन, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आचार्य जी, वो प्रधानमंत्री जो हैं वो तमाम देवी देवताओं का तिलक करके उनका पूजन कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद वो रावण दहन करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले एबीपी के हमारे श्रोता दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वस्तुतः विजयादशमी हमारा प्राचीनतम पर्व है, वैदिक कालीन पर्व है। पर्वों का जो प्रारंभ है, रक्षाबंधन हमारा स्पिरिचुअल पर्व है, आध्यात्मिक शक्ति का। उसके बाद आता है हमारा विजयादशमी, जो हमारी मिलिट्री पावर, राष्ट्र शक्ति, सैन्य शक्ति का। इसके बाद महालक्ष्मी आएगी, दीपावली, वह है इकोनॉमिक पावर को मजबूत करने का, अर्थ शक्ति को। उसके बाद होली आएगी, वह मेन पावर, श्रम शक्ति, सारे समाज को जोड़ने का। ये हमारे चार प्राचीनतम पर्व हैं और उस पर जुड़ाव होता गया, जो भी भगवान अवतरित होते आते चले गए, उन्होंने इस पर्व को मनाया और माना। वस्तुतः विजयादशमी भगवती जगदम्बा अपराजिता शक्ति की, भगवती दुर्गा की आराधना का, पूर्णता का दिन है। प्राचीन काल में आज के दिन ही सीमा उल्लंघन होता था, अर्थात शत्रु राष्ट्र पर प्रहार करने के लिए सीमाओं का उल्लंघन। मैं राफेल से जोड़ूंगा, जो अभी बहुत देर से आप दिखा रहे हो, आज सीमा पार होकर के राफेल आएगा, फिर वो हमारे शत्रुओं की सीमाओं का उल्लंघन करेगा। ये बहुत अद्भुत पर्व हुआ है। एयरफोर्स डे है, विजयादशमी है, मंगलवार है, श्रवण नक्षत्र है, ध्रुव योग है, राष्ट्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
भगवती जगदम्बा अपराजिता, माने जो शक्ति अपराजेय है उसको पराजित कोई नहीं कर सकता। अनुराग जी, एक निवेदन और करूंगा मैं अपने सुधि श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। देखिए, शस्त्र बना कौन रहा है, आ कहां से रहा है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है शस्त्र किसके हाथ में आ रहा है जी। आप देखिए, भगवान शंकर से रावण ने भी शस्त्र लिए, दैत्यों ने भी शस्त्र लिए और भगवान राम को भी शस्त्र मिले। तो धर्म रक्षार्थ, राष्ट्र रक्षार्थ, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जो दूसरों को दूषित करने में लगे हैं, उनके दमन के लिए ऐसे भारतवर्ष के हाथ में शस्त्र आना माने सारे विश्व के लिए एक सुखद संदेश है इस विजयादशमी पर। मैंने कुछ दो शब्द अभी राफेल पर किए हैं क्योंकि एक अभिनव प्रयोग हो जाता है आपके चैनल में। र पहला शब्द है र, दूसरा है फा, तीसरा है ल। रुद्र, रौद्र, रव, रणचंडिका, रण भैरव राम रघुनंदन, ये तो र। फा फालित, शत्रु चतुर्दिक, फालित माने जो फिसल रहा है, गिर रहा है, पटक रहा है। फालित शत्रु चतुर्दिक, फट फट देह धनुजन के। अब इसको देख करके हम सब भारत की जनता और विश्व में जो शांति चाहने वाले लोग, ला उनके लिए आता है। लसत लाश लय निरख मन भारत मनुजन के, उसका जो लाश है उसकी लय है।